प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उपविषय है पाठ 1 सुभाषितानी। बेटा आज हम अपने प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ का अध्ययन करने से पहले सुभाषित शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु जमा भाषित। सु का अर्थ है मीठे सुंदर और भाषित का अर्थ है वचन। सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मीठे वचन। सुभाषितानी सुभाषित शब्द का बहुवचन है। यह पाठ नीति शतकम पंचतंत्र आदि रोचक कथाओं के श्लोकों से लिया गया है। श्लोकों का अध्ययन करने से पहले हम पाठ के कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं पाठ से कुछ कठिन शब्द। पहला शब्द है प्राप्य, प्राप्त होते हैं। क्या है प्राप्य? प्राप्त होते हैं। प्रभवंती बहती हैं, प्रभवंती बहती हैं। सुस्वादु तोयाहा, तोयाहा बेटा आपने सुना होगा पर्यायवाची तोय, हिंदी में जैसे बोलते हैं पानी का, तो सुस्वादु स्वादिष्ट जल से। पुच्छ पूछ, पुच्छ पूछ। प्राप्य है प्राप्त होते हैं, प्रभवंती बहती है, सुस्वादु तोयाहा स्वादिष्ट जल से, पुच्छ पूछ। अगला है जीवमानः, जीवित, जीवमानः जीवित। वयसनीनः बुरी लत वालों का, वयसनीनः बुरी लत वालों का। सृजंती निर्माण करते हैं, सृजंती निर्माण करते हैं। वायसाः कौवे, वायसाः कौवे। पुष्प फूल, पुष्प फूल। अगला है पीत्वाम, पीत्वाम पीकर। श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर। विपदाम मुसीबतों का या संकटों का, विपदाम मुसीबतों का या संकटों का। दारू भी ही लकड़ियों द्वारा, दारू भी ही लकड़ियों द्वारा। बेटा पाठ पढ़ने से पहले हमने कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन किया। अब हम अपने श्लोकों का उच्चारण करते हैं और इनका अनुवाद जानते हैं। हमारा पहला श्लोक है गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्ये भवन्ति पेयः। बेटा जैसे भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, प्राप्य प्राप्त होते हैं, दोषाः दोष। सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल से, प्रभवन्ति बहती है, नद्यः नदी। समुद्रम असाध्ये समुद्र में गिरने के बाद, भवन्ति अपेयः पीने योग्य नहीं होती। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से बहने वाली नदी समुद्र में गिरने के बाद खारी हो जाती है, अर्थात उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुण गुणवान व्यक्ति के पास जाकर गुण रहते हैं, लेकिन वही गुण निर्गुण के पास जाकर दोष में बदल जाते। क्या है? जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से बहने वाली नदी समुद्र में गिरने के बाद खारी हो जाती है, अर्थात उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुण गुणवान व्यक्ति के पास जाकर गुण ही रहते हैं, लेकिन वही गुण निर्गुण के पास जाकर दोष में बदल जाते हैं। क्या बताया है कि एक स्वादिष्ट जल से बहने वाली नदी है, लेकिन जब वो समुद्र में गिरती है तो उसका पानी भी खारा हो जाता है, अर्थात वह पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार गुण गुणवान व्यक्तियों के पास जाकर तो गुण, या किसी के पास गुण है वो गुणी के पास जाएंगे तो गुण ही रहेंगे, लेकिन किसी दोषी के पास जाएंगे तो वो गुण भी दोष में बदल जाएंगे। अगला श्लोक है हमारा साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः।
साक्षात पशुहु पुच्छ विषाण हीनः। साक्षात पशुहु पुच्छ विषाण हीनः। तृणम् न खादन् अपि जीवमानः तद् भागदेहं परमं पशूनां। तृणम् न खादन् अपि जीवमानः तद् भागदेहं परमं पशूनां। जो मनुष्य, अब देखिए यहाँ पर साहित्य संगीत कला विहीनः रहित है, साक्षात पशु हु पशु के समान, साक्षात समान पशु हु पशु, पुच्छ विषाण हीनः बिना पूछ और सींग के, विषाण हीनः सींग के बिना, हीनः के बिना। तृणम् न खादन् अपि घास ने खाते हुए भी जीवमानः जीवित है, जीवमानः जीवित है। तद् भाग देहं परमं पशूनां, और पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब क्या होगा अनुवाद? जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला को नहीं जानता, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला को नहीं जानता, वह बिना पूछ और सींग के साक्षात पशु समान है, घास ने खाते हुए भी जीवित है, और पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके हिस्से का भोजन बच जाता है। क्या बताया कि साहित्य संगीत और कला आदि को जो मनुष्य नहीं जानता, वह क्या है, पशुओं के समान है, उसके सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन वह पशुओं के जैसा है, घास न खाते हुए भी वह जीवित है, और पशुओं के लिए क्या है, अच्छी बात है कि उनके हिस्से का चारा बच जाता है, चारा भोजन बच जाता। अगला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रेयी नष्ट क्रियस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रेयी नष्ट क्रियस्य। कुलम् अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम वय सनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी का, अस्य यानी कौन सी विभक्ति है, कस्य काश के शब्द रूप षष्ठी विभक्ति। लुब्धस्य लोभी का नश्यति नष्ट होता है, यशः कीर्ति, पिशुनस्य जुगलखोर की, मैत्री मित्रता, कुलम अर्थ परस्य दूसरों के धन पर नजर रखने वाले का, विद्याफलम वयसनीनः बुरी लत रखने वाले की विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, राज्यम राज्य का, प्रमद सचिवस्य मंत्री, नराधिपस्य राजा का। क्या होगा, लुब्धस्य नश्यति यशः लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, दूसरे के धन पर नजर रखने वाले का धर्म, बुरे कर्म करने वाले का कुल, बुरे विचार रखने वाले की विद्या, कंजूस का सुख, और बुद्धिहीन मंत्री वाले राजा का राज्य हमेशा नष्ट होता है। क्या है, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, बुरे कर्म करने वाले का कुल, दूसरों के धन पर नजर रखने वाले का धर्म, बुरे विचार रखने वाले की विद्या, कंजूस का सुख, और बुद्धिहीन मंत्री वाले राजा का राज्य हमेशा नष्ट होता है। ये सात चीजें हैं बेटा, जिनके कारण मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। लोभी यानी जो लालच करता है, चुगलखोर है, उसकी मित्रता नष्ट होती है, बुरे कर्म करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, दूसरों के धन पर जो बुरी नजर रखते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है, बुरे विचार जो रखते हैं उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूस को सुख नहीं मिलता, और बुद्धिहीन मंत्री वाले राजा का राज्य हमेशा नष्ट को प्राप्त होता है या नष्ट होता है। अगला श्लोक है, पीत्वाम रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वाम रसम तु कटुकम मधुरम समानम। माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ। माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ। संथस्त एव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति।
पीतवान पीकर, रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम बराबर, माधुर्यमेव मधुरता को, जन्मेत जन्म देती है मधुमक्षिका सौ मधु मक्खी, संथस्तेव सजनों के, संथस्त एव तथेव उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जनों, श्रुत्वा सुनकर, श्रुधातु कत्वा प्रत्यय, वचह वचन, मधुर सूत्र सम मीठे वचन, सृजंती निर्माण करते हैं, पीतवाम रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मीठे और कड़वे रस को पीकर मधुमक्खी सदैव मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के वचन सुनकर भी हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं। मीठे और कड़वे रस को पीकर मधुमक्खी सदैव मीठा शहद या रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के वचन सुनकर भी हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं। अगला श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय छोड़कर, पौरुषम पुरुष, देवमेव अवलंबते, देवमेव अवलंबते भाग्य का सहारा, प्रासाद सिंहवत् महल पर, सिंह के समान उसके, तस्य उसके, मूर्धन्य सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवे। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति के सिर पर कौवे उसी तरह बैठा करते हैं जैसे महल के सिंह के ऊपर बैठते हैं। अर्थात मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे महल के सिंह होते हैं जिन पर कौवे बैठते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ एक श्लोकों का अनुवाद किया। आपको गृह कार्य में यही श्लोक याद करने हैं, वे अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। कल हम अपना शेष बचा हुआ अनुवाद पढ़ेंगे। मिलते हैं व्याख्यान 2 में। धन्यवाद।